नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि, जो कि जो गुप्त नवरात्रि होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं गुप्त नवरात्रि को आपको वह जानकारी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि महायोग टीवी चैनल इस चैनल नहीं है मंत्र, बल्कि यह आप और हम सबका एक परिवार है, जिसमें हम ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, वहां एक टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसके कुछ ऐसे ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं जिनसे दोस्तों आप अपनी मनोकामना या भी जो आपकी इच्छा है उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे कई व्यक्तियों को अभी तक हमारी वीडियो से लाभ हुआ है। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। पर उसके लिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी मैं आपको पर सारे उपाय बता पाऊंगा जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो जाने वाला है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए जान लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते जय माता रानी। दोस्तों, दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है और मां को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है और गुप्त नवरात्रि की साधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि जो होती है, विशेषकर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आर्षि मुनि साधु संत या सन्यासी या फिर जो बड़ी बड़ी तांत्रिक होते हैं, उनके लिए यह समय नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवी भागवत में वर्णन आता है चार नवरात्रि का दो नवरात्रि। आप सभी जानते हैं प्रकट नवरात्रि, जिसमें से एक आती है अश्विन मास में शादी नवरात्रि और दूसरी होती है चैत्र मास में। तो ये दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, सभी लोग बनाते हैं इसे और बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। ये नवरात्रि माता की पूजा आराधना चौकी लगाई जाती है, जागरण किए जाते हैं, जग माता के पंडाल लगते हैं जहां पर मां दुर्गा की आराधना की जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां की स्थापना होती है। तो दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, अश्विन मास की और चैत्र मास की। लेकिन गुप्त नवरात्रि, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब वर्ष भर में दो नवरात्रि गुप्त होती है, एक माघ मास की और एक आषाढ़ मास की। यह दोनों नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए और उनके साथ ही 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए जानी जाती है। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। गुप्त नवरात्रि का समय तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो नवरात्रि के दिन वही होते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि मनाई जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब 2024 में माघ मास के गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी पूजा कर सकते हैं, किन देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं, क्या कलश की स्थापना करना आवश्यक है। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, या फिर बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कि हम क्या जवारे बोल सकते हैं, अखंड दीपक जला सकते हैं, या अगर पीरियड्स में है तो किस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि में मां की पूजा आराधना करनी चाहिए। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जैसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और क्या आम साधारण जन भी इस नवरात्रि में पूजा आराधना कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह विचार रहता है कि गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण होती है या फिर गुप्त सिद्धियां के लिए महत्वपूर्ण होती है। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि यह समय तंत्र मंत्र का होता है, तो ज्यादातर टोने टोटके इत्यादि इस समय में किए जाते हैं, इसलिए कई लोगों के मन में गुप्त नवरात्रि को लेकर भयभीत होता है कि किस प्रकार से हम यह नवरात्रि कर सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है। तो आज की वीडियो कंप्लीटली आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में, अश्विन या चैत्र मास में मां दुर्गा की आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। अब इसमें विशेष्य होता है कि आपकी जो मनोकामना है उसे मनोकामना के अनुसार आप मित्रों का जाप करते हैं। जैसे कि हम प्रत नवरात्रि में जो पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है कि नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, गुप्त रखी जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं और जो भी आराधना आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, वह आप किसी को बताते नहीं है, बिल्कुल गुप्त रूप से मां दुर्गा से प्रार्थना करके आप अपने मंत्र का प्रारंभ करते हैं। अपनी मनोकामना सिर्फ माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। बस इतना ही फर्क होता है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मित्रों को जपने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का साधारण तरीका यही होता है। जब हम अपनी बातें या अपने मंत्र, अपनी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों में कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाते हैं और इस वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और हमारे जो पुण्य फल होते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करके अर्जित करते हैं, पुण्य फल वह कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। बस इतना ही फर्क है, बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस प्रकार से आप नवरात्रि में करते हैं, सुबह की मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, शाम को भी करेंगे। इस प्रकार से आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस समय नहीं कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके अलावा, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे इष्ट देवता कोई और है कि हम उनके मित्रों का जाप कर सकते हैं, प्रश्न किया है कि क्या वह हनुमान चालीसा इस समय सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो और धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति की जो भी आपकी मनोकामना है, किसी स्त्री को पाना या किसी पुरुष को पाना, वह मनोकामना भी आपकी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ध्यान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। और महायोग टीवी चैनल के माध्यम से चलिए जानते हैं आगे की। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप किसी भी देवी देवता के मित्रों का जब इस समय में कर सकते हैं। इस समय में जप गया मंत्र बहुत अधिक पुण्य फल देता है, जैसा कि नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्य फल इस नवरात्रि में पूजा पाठ का प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जाप करते हैं या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो तो लक्ष्मी मंत्र का जवाब कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आप चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मनचाही विवाह की कामना है तो कात्यायनी मंत्र का जाप करेंगे। जो भी मंत्र जब आप करते हैं, अगर इस नवरात्रि में करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, मां दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मित्रों का जाप कीजिए। तो किसी भी देवी देवता के मित्रों का जब इस समय में किया जा सकता है, जिसमें भी आपकी आस्था हो, तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उत्कर्ष स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर
और मां दुर्गा की स्थापना कीजिए। अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आपके घर में मां दुर्गा आपकी मंदिर में विराजित है तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहे तो करें की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते, जैसे कि कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनके घर का जो मंदिर होता है उसमें कई लोगों का आना जाना भी होता है तो वह नहीं रख पाते हैं गुप्त अपनी बातों को, इसलिए कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना की अभी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन आप जब सुबह माँ की पूजा आराधना करेंगे, इस समय संकल्प ले लेंगे कि आप किस मनोकामना से कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जप करना चाहते हैं, या कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना माता के सामने बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र का इतनी संख्या में आप जप करेंगे। पूरी नवरात्रि में निर्वेद में रूप से माता आपके मित्रों को सिद्ध करने में, जप करने में मदद करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप मंत्र जाप का प्रारंभ कर लेंगे तो माता की विधि विधान से पूजा करेंगे, जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। धूप दीप अक्षत पुष्प विद्यार्थी सभी चीज मां को अर्पित करेंगे, लाल पुष्पित करेंगे, लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। मां दुर्गा का विग्रह तो आप उनका अभिषेक करेंगे, मतलब जिस भी प्रकार से पूजा की जाती है नवरात्रि में, आशीर्वाद की नवरात्रि में इस प्रकार से आप पूजा इसमें भी करेंगे। बाकी के जो नियम है जैसे कि अखंड दीपक जलाना या फिर आप जवारी बोलना चाहते हैं तो ये सब चीजें इसमें करना आवश्यक नहीं है। हाँ, दीपक आप जला सकते हैं अखंड, लेकिन जवारे बिना यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आपसे जितना हो सके गुप्त रूप से इसमें साधना कीजिए। जैसे कि अगर आप जवारे भी होते हैं या फिर और भी कार्य करते हैं तो फिर सबको ही पता चल जाता है, फिर कहाँ गुप्त रह जाती है नवरात्रि। फिर आपको ध्यान में रखना है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ माता के सामने एक प्रार्थना करके अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक इस समय में मंत्र जाप किए जाते हैं। देखिए, यह समय ही साधना का होता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है, मंत्र सिद्ध के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं या अघोरी होते हैं वह गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मित्रों की सिद्धि करते हैं, टैटो के सिद्ध करते हैं, यंत्र सिद्ध किए जाते हैं, तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है गुप्त साधनाओं के लिए। कोई भी कामना हुआ आपकी बहुत समय से अधूरी है, तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन है, आपके लिए समझ लीजिए वरदान है। तो पूजा आराधना जरूर कीजिए, कोई भी आपकी कामना को उसी के निमित्त या निष्काम भाव से मां दुर्गा की आराधना कीजिए। आदर्श महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है इस समय में, तो जो विशेष रूप से किसी गुरु की सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। बाकी जो साधारण जन है, जो आम गृहस्थ जान होते हैं, वह मां दुर्गा के वही 9 रूप, प्रथम शैल पुत्रिका, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे की कुश्ती, चतुर्थ काम, पंचम स्कंधमाति सिस्टम का अध्याय, नीतिमाम दुर्गा के, इन्हीं की आराधना को गुप्त नवरात्रि में भी करनी चाहिए। हम जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस नवरात्रि में व्रत करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं, व्रत करना आवश्यक नहीं है, आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ही रखना है कि इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है, लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, फिर मां दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। अगर जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में बाकी के लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो फिर हम क्या करें, तो देखिए, बाकी के लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है, आप मत खाइए। अगर आपको पूजा आराधना करनी है, आपके साथ ही रहना है, तो आप नहीं खाई, बाकी सब खा रहे हैं। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस नवरात्रि में मन को भूख क्या पित्त करना चाहिए, देखिए, भोग में आत्मा को कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं,
फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो, विशेष रूप से जो नवरात्रि होती है, मतलब कोई भी नवरात्रि हो, माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग बताशा रखकर अर्पित करना जरूरी माना जाता है। तो सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर आप एक बताशा रखेंगे। उसे बताशा के ऊपर दो लौंग आपको रखना है और ये माता को भोग स्वरूप करना है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। सुबह इस उपाय को आप जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपको बता दे कि यही वह उपाय है जिससे आपकी हर एक मनोकामना, जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको माँ या अपनी मनोकामना है इस माँ तक पहुंचानी है और बार बार, कम से कम आपके 7 बार अपनी मनोकामना का जाप करना है। दोस्तों, ऐसा आपको जरूर करना है और इसी उपाय से आपकी जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे कि महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु और अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक होता है। और फिर जिस प्रकार से आप बाकी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसे प्रकार से आप इस पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई खाने वाला होते ही पान का पता ग्रहण कर सकता है। अगर कोई पान का पता नहीं दिखता है तो बताशा प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से लौंग भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस लौंग का एक बहुत अचूक उपाय भी किया जाता है। फिर सुबह और शाम दोनों समय मन की पूजा आराधना की जाती है, संध्या काल में भी और सुबह भी, और दोनों समय आरती की जाती है। लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती करनी चाहिए सुबह और शाम दोनों समय। इसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। और अब बात करें कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर और समाप्त होगी 11 फरवरी को सुबह 12:45 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 फरवरी से प्रतिपादन तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 10 फरवरी से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो माँ के गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह मीन लग्न में आपको प्राप्त हो रहा है। मीन लग्न में कलश की स्थापना करने से माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। अब अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो एक और मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी आप प्लस की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:13 से दोपहर 12:30 तक। इस समय में भी आप कलर्स की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो, और अगर आप चाहे तो कल इसकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कल इसकी स्थापना नहीं कर पाते हैं तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मित्रों का जाप कर सकते हैं, सभी प्रकार के उपाय कर सकते हैं, मां की आराधना कर सकते हैं। कहा जाता है, मतलब देवी भागवत में वर्णित है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त देश का निवारण हो जाता है और अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना से प्राप्त हो जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में अपने जाना 10 महाविद्यालय क्या होती है। देखिए, पहले महाविद्या है मां काली, दूसरी मां तारा, तीसरी महाविद्या है मातृपुर और चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी, पांचवी मार्च के छठी मातापुर, भैरवी सातवीं, मधुमती आठवीं, मां बगलामुखी नवमी, मामा तंगी और दसवीं महाविद्या है मां कमला देवी। तो इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए सड़क को किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, मतलब बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। बाकी पूजा आराधना बिल्कुल आप कर सकते हैं, सटीक तरीके से आप बिल्कुल पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके मित्रों का भी जाप कर सकते हैं। एक आम गृहस्थी जान को, जैसे कि हम सभी को, किस प्रकार से 10 महाविद्याओं की सात्विक तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस समय में, आराधना के समय में, आपको सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं
ऐसे कौन से उपाय किया जाए इस दिन जिससे कि आप धनो धनवान या आपकी जो भी मनोकामना है वह इन नवरात्र के समय में ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों इसलिए यह दिया जान लेते हैं जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कुछ आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि नवरात्रि में पान का पत्ता कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। लिए समझते हैं किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों में पान के पत्तों से ही उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के पत्ते पर चंदन से माता का बीज मंत्र लिख करके उनके चरणों में आप समर्पित करें, माता दुर्गा का जो बीज मंत्र है। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में आप बांध दें और उसे अपने घर के ध्यान रखने के स्थान में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में, आप कहीं भी रख दें। यह उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत चमत्कारी रूप से इसका परिणाम लोगों को, जिसको भी मैंने बताया, देखने में मिला है और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाती हैं। देवी दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त करके उनकी कृपा से अपने किसी भी काम को पूरा करने का उपाय। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब के पंखुड़ियां रखकर के माता दुर्गा को आप समर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि 9 दिनों के बाद पूजा में प्रयोग किए गए पान के पत्तों को बैठे हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से माता दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद सदैव बनाए रखती है। बिजनेस व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करें, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि लाख प्रयास के बाद भी आपके व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आप नवरात्रि में जो उपाय में बताओ वह आप कर सकते हैं। दोस्तों अब तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर के माता के चरणों में आप इसे समर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रख करके सो जाए, इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लग जाते हैं और जब यह पट्टा कुछ दिनों में मुरझा जाए तो उसको आपको जल प्रवाहित कर देना चाहिए। तो नवरात्र के 9 दिनों तक आपको यह उपाय रोज नियम से लगातार करना होता है। गृह प्लेस से मुक्ति का भी एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा लगातार होते रहते हैं, परिवार में तनाव निरंतर बना रहता है, तो इसके लिए पान के पत्तों का जो टोटका मैं बता रहा हूं यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है जिससे गृह प्रवेश की समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है।